कल हमारा जो पाठ चला था वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, इसका उत्तर इन्होंने दिया था 63 ही 63 हैं, और वे अकार आदि वर्णों में विभक्त हैं। जैसे अब देखिए, मुख्य रूप से सबसे पहले ये देखिए, इन्होंने तीन भागों में इनको विभाजित किया है। एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा एक अयोगवाह, इस रूप। स्वरों के तीन भेद किए इन्होंने, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। बड़ी छोटी सी तालिका बनी हुई है, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़े काम की चीज है। इसीलिए मैंने इसको कल नहीं उठाया था कक्षा में, मैंने कहा इसको पर्याप्त समय देना पड़ेगा। देखो, कुल स्वर 22 होते हैं, वैसे कैसे कैसे होते वो सुनिए। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीनों का अर्थ भी समझिए, आगे वैसे ये स्वयं बताएंगे, लेकिन मैं यहीं पर संकेत किए देता हूं। ह्रस्व, जिसका उच्चारण लगभग 1 सेकंड में किया जाना चाहिए, उसको कहते हैं ह्रस्व। जिसका 2 सेकंड में, उसको दीर्घ, और जिसका लगभग 3 सेकंड में, उसको प्लुत। उच्चारण की दृष्टि से ही इनका मुख्य रूप से नामकरण हुआ है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, वो होते हैं 5। यथा योग्य मैं इनका उच्चारण भी करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ह्रस्व होते हैं 5, अ, ई, उ, री, लरी। कौन कौन से, आ, ई, उ, री, इसका लरी नहीं होता, लरी वर्ण से दीर्घ न संति, आगे आएगा भी, लरी वर्ण जो है वो दीर्घ नहीं। ए, आई, ओ, औ, ये सभी दीर्घ हैं। आपको भेद भी समझ में आया होगा कि मैंने इनका उच्चारण भी दीर्घ ही किया है, ठीक है। ऐसे ही प्लुत, प्लुत में पूरे 9 होते हैं, ठीक है। तो 9 और 8 17 और 5 22, कुल स्वरों की संख्या इस समय हो गई है 22। जी नमस्ते। तो 22 स्वरों की संख्या इस प्रकार से हो गई है। ये एक ऐसी गणना है जो, जिस गणना के आधार पर आप, अब आप किसी भी साहित्य को, आर्य भाषा के किसी भी साहित्य को उठा लीजिए, संस्कृत के किसी भी साहित्य को उठा लीजिए, मैं तो कहता हूं वेदों तक पहुंच जाइए, अब आपको कहीं पर इससे इतर कोई वर्ण नहीं मिलेगा, या ऐसा नहीं होगा कि जो इन्होंने ना बताया हो और वेद में वो वर्ण आपको मिल जाए। आगे देखिए, व्यंजनों को इन्होंने वर्गों में विभाजित किया है। जब हमें ये शिक्षा आदि शास्त्र पढ़ाए जाते हैं गुरुकुलीय परंपरा में, तो एक संक्षेप में बताया जाता है, जिसको शॉर्ट भी बोलते हैं, शॉर्टकट, कुचू टू तुपू। मैं इनको इसलिए अभी संकेत कर रहा हूं क्योंकि आगे अकूह विसर्जनीय कंठ्या, ऐसे आपको सूत्र मिलेंगे, तो वहां पर आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये कू क्या होता है। तो कू का तात्पर्य होता है का वर्ग, ऐसे चू का तात्पर्य च वर्ग, टू का तात्पर्य टा वर्ग इत्यादि। और बाद में इन्होंने सबसे नीचे यदि आप देखेंगे तो अंतस्थ और ऊष्म, ये दो होते हैं। कैसे कैसे, तो देखिए, का वर्ग में 5 अक्षर हैं, क, ख, ग, घ, और अंतिम अक्षर को प्रायः अणेखाली बोला जाता है। हमारी पूरी वर्णमाला में एक भी अक्षर अणेखाली नहीं है, एक भी। इस का वर्ग के 5वें अक्षर का अपनी नासिका को दोनों हाथों से ऐसे प्रेस करके, दोनों हाथों से, क्षमा चाहूंगा, दोनों नासिका के दोनों जो नथुने हैं, एक हाथ और एक हाथ की अंगुली और अंगूठे से दोनों तरफ से दबाएंगे, और तब जब बोलेंगे ग, ये जो उच्चारण है,
ये ही इस वर्ण का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण है। इसको संस्कृत में गकार कहते हैं, गकार, ठीक है। ऐसे ही चावर्ग में आरंभ के चार अक्षरों को आप सभी जानते हैं, च छ ज झ, लेकिन अंतिम अक्षर की दृष्टि से मैं बता देता हूं, इसको कहते हैं य। ठीक उसी प्रकार से नासिका को एक अंगुली और एक अंगूठे से दबा करके जब जो एक अक्षर होता है य, यकार, जिससे यज्ञ शब्द बनता है, यज्ञ, तो यह जो अक्षर होता है उसको आप नासिका को थोड़ा सा दबा करके आप उच्चारण करेंगे तो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण जो आता है वो आता है यह। तो चवर्ग का अंतिम अक्षर होता है य। टावर्ग का, इसको आप जानते हैं, ये भी अण खाली नहीं है, इसको अणा बोलते हैं, अणा, अणकार बोलते हैं इसको। कुछ बच्चों का जब यही शिक्षा हमने बच्चों के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक सिलेबस तैयार किया था, तो उस समय कुछ बच्चों का जीवा, यूं कहूं कि उनकी जो जिह्वा थी उसमें लयात्मकता नहीं थी, लचक नहीं थी, या यूं कहूं उन बच्चों की स्वर ग्रंथियां थोड़ी कम विकसित हुई थी, तो वहां पर हम उनको एक खेल खिलाते थे। आप में से भी शायद किसी ने बचपन में खेल खेला होगा, हम कुछ भी बोलते थे, और वो खेल अब समझ में आए जब हमने इसको पढ़ा कि वो खेल भी कितने कितने लाभकारी होते थे। तो इस अक्षर को शुद्ध बोलने के लिए, क्योंकि इसका उच्चारण प्रायः खेल ये होता था, थोड़ा धीरे से अणा 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 अणा, पहले ऐसे अणा अणा अणा, और फिर इसको शीघ्रता से आ हट जाएगा, केवल अणा रह जाएगा ना, उस रूप में। तो ये भी अण खाली नहीं, ये भी अणकार है। जैसे बहुत सारे शब्द आपको मिलते हैं इस अक्षर के द्वारा, जैसे झंडा, डंडा, खांड इत्यादि। और हाँ, एक एक चैनल भी है, गुजराती कोई चैनल है, तो उसका तो नाम ही है रणमोकार, रणमोकार चैनल, उस चैनल का नाम है। अस्तु, तावर्ग में त थ द ध न, पावर्ग में प फ ब भ म, चार अंतस्थ होते हैं और चार ऊष्म होते हैं। ये अंतस्थ और ऊष्म क्या है वो थोड़ा सा उस दृष्टि से कह रहे हैं, ऊष्म नामकरण किया है। तो अंतस्थ में य र ल व, ये चार, और ऊष्म में श ष स और ह, ये चार। युद्धवीर जी का भी प्रश्न था, यद्यपि वो अपने आप में एक विद्वान व्यक्ति हैं, किंतु फिर भी उनका प्रश्न है, तो आइए देख लेते हैं। आठ अयोग वाह होते हैं, अब इनकी गिनती कर लेते हैं। पहले 22 हो गए थे हमारे स्वर, कुचु टू तुपु, पांच वर्ग ये हो गए, प्रत्येक वर्ग में पांच अक्षर है, तो पांच पंजे 25, चार हो गए अंतस्थ के, 25 और चार 29, और चार हो गए फिर ऊष्म के, 29 और चार 33 जमा 22 कितने हो गए, 55। अभी तक हमारे 55 अक्षर हुए हैं। हमारी जो हिंदी की वर्णमाला, जिसको हम कहते हैं आर्य भाषा की जो वर्णमाला है, उसमें हमें अधिकांश बस 55 ही अक्षर पढ़ाए जाते हैं। वैसे 55 भी नहीं होते वहां पर, क्योंकि लरी आपको नहीं पढ़ाया जाता वहां, ठीक है, और ये प्लुत भी नहीं पढ़ाए जाते वहां पर, श्र ज्ञा इत्यादि को, क्ष, इन सबको भी पढ़ जोड़ करके वो तब जाकर के 52 53 54 इस प्रकार से अक्षर पूरे करते हैं, ठीक है। अयोग वहां देख लेते क्या है, तो अभी तक हमारे कितने अक्षर हो चुके हैं टोटल 55। आइए देखते हैं अयोग वाह, विसर्जनीय, जो दो बिंदु होते हैं, जैसे एक शब्द आप सब परिचित हैं, लगभग सभी होंगे इससे, तो अतः आपसे निवेदन है, बचपन में बहुत सारी प्रार्थना पत्र लिखा है ना छुट्टी के लिए, तो उसमें जो आप अतः शब्द लगाते हैं, वो जो ता के बाद में जो दो बिंदी लगी होती है, उसको बोलते हैं विसर्ग, और इस विसर्ग का अर्थ होता है लगभग आधा हकार, आधा ह, अतः ऐसा। जिह्वा मूल्य और उपध्वनीय, ये भी दोनों विसर्ग ही के भेद हैं, बस
इनके पश्चात जो आगे का वाला अक्षर होता है यानी विसर्ग के ही भेद है, उच्चारण की दृष्टि से भिन्नता आती है। जैसे यदि जिह्वा मूल्य का देखेंगे तो जैसे एक ही शब्द से बताता हूं, बालक खादति, तो जब इसका उच्चारण करेंगे तो बालक खादति ऐसा हो जाएगा, यानी विसर्ग का यहां पर खकार ख बन जाएगा ख। जैसे बालक क्रीडति तो फिर भी यहां पर क्या आ जाएगा, इस विसर्ग के स्थान पर बालक क्रीडति ऐसा हो जाएगा। ये हुआ जिह्वा मूल्य का। ऐसे ही उपद्मानीय में देखिए, बालक पठति, तो ये तो सामान्य है लेकिन उपद्मा विसर्ग के बाद पावर्ग आ गया है तो उसकी दृष्टि से क्या हो जाएगा, बालक पठति, आधा फ फकार बालक पठति ऐसा, ठीक है। बालक पिबति तो बालक पिबति ऐसा हो जाएगा। ये जो नियम आपके साथ साझा कर रहा हूं, जब आप वैद्य के ब्राह्मणों को सुनेंगे, जो ब्राह्मण वेद पाठी हैं उनका उच्चारण जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत सरलता से और बड़ी स्पष्टता से ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा इन इन कारणों से यहाँ पर ये हो रहा है। जब आप वेद में देखते हैं तो वहां पर विसर्ग ही मिलता है, ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों के जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं उनके उच्चारण में हमें इस प्रकार का मिलता है जो अभी आपको समझा रहा हूं। जिह्वा मूल्य और उपद्मानी, एक अनुस्वार होता है, जैसे एक शब्द होता है संस्था, व्याकरण के किसी भी नियम से संस्था शब्द में जो अनुस्वार है वो अनुस्वार ही रहेगा, ना उसका या हो सकता है, ना उसका ग हो सकता है, ना उसका ना मा कुछ नहीं हो सकता, वो अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा। संस्था शब्द है ना, या संस्थान। उदाहरण एक एक इसलिए दे रहा हूं कि आपको पकड़ में भी आए कि ये भला क्या है, कई बार यदि सीधे सीधे बता दूं तो पकड़ में नहीं आएगा, उदाहरण इसलिए देते हुए चल रहा हूं। चार हुए ये, 55 और 4 59। देखो यम किनको कहते हैं, तो इस बात का उत्तर ये स्वयं दे रहे हैं। इस ये जो देखो अयोग वाह रूप और ठीक इसके नीचे जो लिखा हुआ है इसको ग्वांग बोलते हैं, ग्वांग, ये ह्रस्व भेद है किसका, अनुनासिक का, और उसके नीचे जो चंद्रबिंदु और उसके नीचे एक हलंत जैसा लगा हुआ है वो दीर्घ भेद है किसका, अनुनासिक का, और अनुनासिक तो अनुनासिक होता ही है, तीन ये हो गए। और एक अक्षर देखो नीचे लिखा है ला, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, तो प्रायः पहले जब पढ़ाते तभी से एक बात आपको बताते आ रहे हैं कि हरियाणा में काला शब्द होता है ना काला, तो उसको काला नहीं बोलते, उसको काला बोलते हैं, अरे काले इस रूप में, तो वहां जो वो काले शब्द है ना उसका जो वो उच्चारण है वो लकार का, इस चौथे यम का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। वास्तव में वो शब्द होता ल तो काला ऐसा होना चाहिए शुद्धता की दृष्टि से, लेकिन वो लकार के स्थान में अलकार का उच्चारण कर रहे हैं। और इसको समझने के लिए मैं कहूंगा कि ड और ल दोनों को मिश्रित करते हुए बोलना, ये इसका शुद्ध उच्चारण होगा। तो मेरी जानकारी के अनुसार इन चार को यम कहते हैं, और मैंने भी अभी भ्राता जी इतना ही पढ़ा है। इस विषय में यदि आपकी कोई और मंतव्य है, आपके पास कोई और जानकारी है तो आपका स्वागत है भ्राता वटू जी, हैं कक्षा में, चले गए हैं, वो कक्षा में नहीं है आर्य जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हैं, अब एक एक करके आपके प्रश्नों को ले लेते हैं जी। किन किन ने, एक तो सुरेंद्र जी ने किया है, सुरेंद्र आर्य जी ने, और एक संतोष माता जी ने किया है, तो एक एक करके ले लेते हैं जी। संतोष माता जी, हाँ जी आचार्य जी, आचार्य जी अयोग वाह का मतलब क्या होता है? अयोग वाह कहते हैं जो किसी अक्षरों के पीछे अनुगमन करते हुए आते हैं, किन्हीं अक्षरों के पीछे आकर के जो जुड़ते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से यदि देखे, जैसे अन्य अक्षर हैं तो उनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व उस रूप में, जैसे हमें का स्वतंत्र रूप से एक
चिन्ह मिलता है, एक सिंबल मिलता है, ता का मिलता है, ए का मिलता है, लरी का मिलता है, लेकिन ये जो अयोग वाह है इनका, इन आठों का हमें कोई सिंबल नहीं मिलता, कोई साइन नहीं मिलता, जैसे इनकी आकृति मिलती है उस रूप। ये दूसरे अक्षरों के साथ मिलकर ही चलते, अकेले इनका कोई अस्तित्व नहीं है भाई। अकेले नहीं, अस्तित्व तो माना माना पड़ेगा, अकेले अकेले में, हाँ, लेकिन अकेले में इनका कोई उस रूप में प्रयोग नहीं हो सकता, ये किसी दूसरे की सहायता से ही प्रयोग में आते हैं। ठीक है, ठीक है। दीक्षा जी से भी हम समझते हैं कि अयोग वाह पर इनकी क्या दृष्टि है। वैसे ही योग दर्शन पढ़ाती हैं, लेकिन व्याकरण में भी इनकी बुद्धि बहुत अच्छी काम करती है। जब मैं पहली बार पढ़ा रहा था तो ये बेचारी अन्य व्यवस्थाएं संभालते हुए भोजन बना रही होती थी, और तब वहीं से अपना कान इधर लगा करके तब इन्होंने वर्णोच्चारण शिक्षा को पढ़ा था, और बहुत अच्छी इनकी दृष्टि है। तो आइए इनसे भी लेते हैं कि इन्होंने अयोग वाह से क्या क्या निकाला है मत करके। जी जी, आप सभी को नमस्ते। ये राजन जी से पढ़ करके वर्णोच्चारण शिक्षा एक बार मुझे भी पढ़ाने का अवसर मिला। मैंने बालकों को इसे पढ़ाया, और जब मैं इसको पढ़ रही थी तब मुझे अयोग वाह के विषय में कुछ चीजें समझ आई, जो मूल रूप से इन्होंने ही समझाई थी, पर बाद में एक दर्शन की दृष्टि और वो सब चीजें स्पष्ट होने के बाद अयोग वाह जितना मुझे समझ में आया वो मैं रखती हूँ। तो जैसे अयोग वाह के अतिरिक्त 63 वर्णों में से हमने जो भी वर्ण पढ़े हैं, क ख ग ये सब, और इसके स्वर भी जो पढ़े हैं, इन सब का जो एक निश्चित उच्चारण है, यानी अ है, अकार है, उसका उच्चारण अ ही होगा हर स्थान पे। क जहां पे भी होगा उसका एक निश्चित उच्चारण है, क ककार जहां होगा उसके लिए भी निश्चित उच्चारण है ख, ऐसे तकार जहां होगा उसके लिए भी एक निश्चित उच्चारण है त। लेकिन ये जो अयोग वाह के आठ जो अक्षर हैं, आठ जो वर्ण हैं, इनका कोई निश्चित उच्चारण नहीं होता। इनका उच्चारण इनके आसपास वाले अक्षरों के आधार पे निर्भर करता है। जैसे विसर्जनीय जो है, तो विसर्जनीय एक अक्षर है, इसको सामान्य रूप से अर्ध हकार ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये अर्ध हकार कैसे, जो जिस अक्षर के साथ जिस शब्द में विसर्जनीय का प्रयोग हुआ है उस मात्रा के अनुरूप ही अर्ध हकार बोला जाएगा। जैसे सेवकः, सेवकः, अब यहाँ पर क्योंकि अकार है अंत में क के साथ, इसलिए अर्ध हकार अ के साथ बोला गया। अब यदि इसको ऐसे आ जाए नदी, तो यहाँ पे वही अर्ध हकार ई के साथ बोला जाएगा। विसर्जनीय है लेकिन इसका उच्चारण परिवर्तित हो गया साथ वाले वर्ण के हिसाब से। ऐसे ही जहाँ पे संधिया होती है, संधिया जहाँ पर होती है, जैसे निर्णय एक शब्द है, निर्णय, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो नी ही अलग हो जाता है, नी और साथ में विसर्ग, ये अलग हो जाता है, और पीछे वाला जो इसके साथ प्रत्यय लगता है वह अलग हो जाता है। लेकिन जब इसको इसको मिलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो जो निर्णय ऐसा लिखते हैं उसमें जो विसर्ग है वो रेफ में बदल जाता है, ऊपर र की मात्रा चढ़ जाती है। ठीक इसी तरह कहीं चित्त एक शब्द बार बार आता है योग दर्शन में, तो वहां पे चित्त के साथ लगने वाला विसर्ग वहां पे चित्तस, ऐसे चित्त योगस चित्त वृद्धि, तो योग चित्त वृत्ति निरोध ऐसा वहां पे अलग अलग होगा। लेकिन जब उसको उन्होंने मिलाया, सम्मिलित किया तो कैसा पढ़ दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अब यहाँ पर योग के बाद जो विसर्ग था वो बदल गया अर्ध शकार में। तो विसर्जनीय वाह की ये पहचान है कि इनका अपना कोई निश्चित उच्चारण नहीं होता, स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, इनका उच्चारण इनके साथ वाले अक्षरों के ऊपर निर्भर करता है, ऐसा मैं समझ पाई हूँ। ऐसा ही ये ह्रस्व ग्वांग के साथ है, दीर्घ अनुनासिक, तो वो भी जब हम पढ़ते हैं तो अगर
कवर्ग का कोई भी अक्षर है तो उसके साथ यदि अनुस्वार प्रयोग हुआ है तो कवर्ग का ही जो अंतिम अक्षर है, इन्होंने अभी बताया गकार, उसका साउंड हो जाएगा। अगर चवर्ग का कोई भी अक्षर है उसके साथ अनुनासिक पढ़ा गया है तो चवर्ग का ही जो पांचवा अक्षर है यकार, वह अनुनासिक की साउंड, वह यकार की साउंड देगा, नकार की साउंड देगा अनुनासिक। तो कुल मिला के मैं इसमें सिर्फ इतना समझ पाई हूँ कि अयोग वाहक ये अक्षर होते हैं किंतु इनका अपना कोई निश्चित साउंड नहीं होता, ये अपने साथ वाले अक्षर के आधार पर ही साउंड करते हैं, लेकिन इनकी पहचान अलग होती है। ऐसा ओम जी आचार्य जी, मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है, मेरे को तो इसकी जैसी एग्जिस्टेंस है ना वो एज इट इज ही रहती है, आ तो हा के विसर्ग लगते, हा की आवाज आते चाहे वो किसी भी उसके साथ व्यंजन के साथ जोड़ो, तो इसकी सत्ता तो अपनी रह ही जाती है। हाँ जब आपने संधि कर दी है तब ये खत्म हो जाता है तो वो चीज ही और बन जाती है, नहीं तो जब अलग होता है तो इसमें विसर्ग हमेशा हा की आवाज देती है, ऐसा नहीं है, इसकी सत्ता है ना अपनी जी, इनकी अपनी सत्ता तो है, इन वर्णों का एग्जिस्ट, ये वर्ण जो है इनका एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने एक बात कही दीक्षा जी ने कि जैसे अन्य वर्णों का एक पृथक और स्वतंत्र उच्चारण है, ऐसा इन आठ अयोग वाहों का एग्जिस्टेंस तो है लेकिन इनका कोई स्वतंत्र उच्चारण नहीं है। जी जी जी, जी जी जी, अब स्पष्ट है, ठीक जी आचार्य जी, ठीक है। और किसी ने हैंड रेज किया है, योगेंद्र आर्य जी ने, जी आर्य जी आपने भी हैंड रेज किया। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, ये हकार और अकार ये क्या होते हैं? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, जब हम हिंदी भाषा में, जिसको हम हिंदी भाषा बोलते हैं उसको यदि आर्य भाषा भी माना जाए, तो आर्य भाषा या हिंदी भाषा में जब हम बोलते हैं क ख ट त प इत्यादि, तब तो हम सीधा अक्षरों को ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब संस्कृत पढ़ने वाले किसी विद्यार्थी से आप पूछते हैं तो संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी अ ऐसा उच्चारण नहीं करेगा, वो बोलेगा अकार। आप उससे पूछेंगे कि कवर्ग सुनाओ, मान लो यदि आप पूछते हैं तो वो ऐसे नहीं सुनाएगा क ख ग घ, वो क्या बोलेगा ककार खकार गकार घकार गकार, ऐसा वो उच्चारण करेगा। तो कार एक प्रत्यय होता है, इन सभी वर्णों के साथ कार प्रत्यय जुड़ जाता है उच्चारण की दृष्टि से, एक अक्षर ऐसा है जिसके साथ कार प्रत्यय नहीं होता, उसके साथ इफ प्रत्यय आता है, वो है र, तो रकार ना होकर के वो रेफ हो जाता है, रेफ। आगे सूत्र भी आएगा, रेफो दंत मूली के शाम इत्यादि, और ये जो मैं ककार आदि बता रहा हूं ये आगे सूत्रों में भी मिलेंगे आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा आपने प्रश्न कर लिया ये अच्छा है और सरलता हो गई, ठीक है। तो ये दो प्रत्यय होते हैं सभी वर्णों से, वर्णात कारः एक सूत्र है कि वर्णों से कार प्रत्यय होते हैं, और रात इफ रेफ जो र है इससे इफ प्रत्यय होकर के रेफ ऐसा उच्चारण होता है, ठीक है जी। अच्छा आचार्य जी एक मिनट और पूछना चाहूंगी, वैसे मैंने सुना भी था पर मेरे को इस टाइम ध्यान में नहीं है, कहीं तो आप ककार पकार टकार बोल रहे हैं और कहीं पर हम कूचू टू तू पू भी कहते हैं, तो वो कहाँ पर कूचू टू तू पू यूज करते हैं और कहाँ पर ककार पकार ये खकार वगैरह यूज करते हैं, इसको भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं। बहुत बढ़िया सूक्ष्म प्रश्न, देखिए जब हम कु बोलते हैं तो पूरे कवर्ग को बोलते हैं, कु का तात्पर्य पूरा कवर्ग पांचों अक्षर। अच्छा 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 अच्छा, जब हम ककार बोलते हैं तब एक सिंगल लेटर, एक एकाकी अक्षर, धन्यवाद जी, केवल एक अक्षर को बोल रहे हैं तब उस समय जी। मोहित जी अरे जी एक प्रश्न है कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या भेद है, जैसे हम कई स्थान पर तो वो अंकी बिंदी लगी हुई देखते हैं और कहीं वो चंद्र बिंदु जैसा लगा देखते हैं, जैसे हंस एक शब्द है उसमें ऊपर कोई लोग तो चंद्र बिंदु लगा देते हैं, कहीं पर देखते हैं कि अंकी बिंदी लगा देते हैं,
इन दोनों के लिखने में क्या भेद है और बोलने में क्या भेद है, यह बता दीजिए। बड़ा बड़ा विकट प्रश्न है मोहित जी। बड़ा विकट प्रश्न है। अच्छा, इस पर दीक्षा जी कह रही है कि मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, रखो भाई। मुझे भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है समझ, अनुस्वार में और चतुर्बिंदु में क्या फर्क है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जी। तो जी रखिए दीक्षा जी, जितना मुझे समझ आता है उसके अनुसार मैं प्रयास करती हूँ। अनुनासिक में तो जो कुचू टू टू कु पांचों वर्ग है, उन पांचों वर्गों के जो अंतिम अक्षर है उनका प्रयोग होता है, और अनुनासिक में केवल जो बिंदु वाले भी अक्षर होते हैं संस्कृत में ही, तो सिर्फ चंद्र बिंदु या बिंदु का जो सिंबल रहता है वो अनुस्वार और अनुनासिक में जो कुचू टू टू पु वाले पांच अंतिम अक्षर होते हैं उनका प्रयोग होता है, जहां तक मुझे समझ। और संतोष माता जी, आपको भी क्या पकड़ रहे हैं? हाँ जी, अनुस्वार में तो ना के आवाज आती है, जैसे हम बोलते हैं संघ, ना के आवाज होती है बिंदी लगाते। और जहां तक दूसरा बोलते हैं हम, वहां पे चांद, वहां पे ना की आवाज आती है। यही डिफरेंस है मेरे हिसाब से तो अनुनासिक चिन्ह में और इसमें। ठीक है, अनुस्वार दोनों। हाँ ठीक है, म्यूट कर लीजिए। दोनों को और सरलता से जान लीजिए। देखो, दीक्षा जी ने सही पकड़ा, एक को थोड़ा सा वो अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाई। अनुनासिक जो चिन्ह होता है ना, ये कुचुटुतुपु इन सब के साथ लग जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है इनका उत्तर। लेकिन ये जो अनुस्वार है ये अंतस्थ के साथ नहीं लगेगा, ये ऊष्म के भी जो ऊष्म अक्षर है उनके साथ यदि देखेंगे तो उनके साथ लग जाएगा, जैसे संस, जैसे संस्था, जैसे हंस। तो ऊष्म अक्षरों के साथ प्रयोग होने वाला अनुस्वार कहलाता है और बाकी अन्य अक्षरों के साथ प्रयोग होने वाला ह्रस्व ग्वांग भी हो सकता है, दीर्घ अनुनासिक भी हो सकता है, अनुनासिक भी हो सकता है। स्पष्ट है मोहित जी? आचार्य जी, फिर पतंग बोलते हैं जैसे, वो तो फिर ता के ऊपर आ गया, ऊष्म के ऊपर तो नहीं आया। पतंग, दंग, ठीक है, आता हूँ अभी। मोहित जी स्पष्ट है? हाँ जी स्पष्ट है मुझे तो। ठीक है, अब माता जी के प्रश्न पर आते हैं। देखो, जब आप अंग बोलते हैं, अंग, तो आ के बाद जो अनुस्वार है तो आ के बाद अनुस्वारी, लेकिन गा अक्षर के कारण इसको क वर्ग का अंतिम पांचवा अक्षर हो गया गा, तो शुद्ध उच्चारण होगा अंग। आप आ के ऊपर अनुस्वार की ये जो बिंदी सी होती छोटी सी वो नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे आप बोलते पतंग, तो ता के ऊपर जो छोटी सी बिंदी आप लगा देते हैं गा के कारण से उसको गकार आदेश हो जाएगा, पतंग ऐसा। ठीक है, जैसे मैं कहूं शय्यो, तो शा के ऊपर अंक बिंदु था ये, जिसको आप अनुस्वार कह लीजिए, अंक बिंदु होते हुए या के कारण से ईचो यशास तालव्य आदि सूत्रों को देख ध्यान में धरते हुए वहां पर अनुस्वार को या आदेश हो गया। तो वहां पर जो आप कह रहे हैं वो अनुस्वार होते हुए भी वो परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है जी, साउंड की दृष्टि से भी, साउंड की दृष्टि से भी परिवर्तित होते हैं और अक्षरों की दृष्टि से भी परिवर्तित होते हैं। मूल में देखेंगे तो वो है अनुस्वार ही। जब आप संस्था शब्द को यदि पृथक करेंगे तो मैं इसको ऐसे समझाता हूं, देखो अब आपको पकड़ में आ जाएगा। संस्था एक शब्द है, इन दोनों का पदच्छेद कर, इस शब्द का यदि पदच्छेद करेंगे तो दो शब्द निकलेंगे, सम उपसर्ग निकलेगा और स्था गति निवृत्त, ये एक धातु निकलेगी, तो सम और स्था ऐसा दिख रहा है ये? जी जी दिख तो रहा है, पर आचार्य जी आवाज तो ना की बोल रहे हैं, पर आप लिख मारे हैं यहाँ पर,
वही तो बता रहा हूँ माता जी। अब ये सम का भी जो है ये माँ था यहाँ पर, अब माँ का जो अनुस्वार बना है वही तो बता रहा हूँ। अनुस्वार होते हो भी उसका जब पदच्छेद करेंगे तो माँ ही बनेगा, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तब जा करके ये माँ अनुस्वार में आ जाएगा। ठीक है, व्याकरण के कुछ नियम काम करते हैं यहाँ पर, अनुस्वार से यही पर सवर्ण इत्यादि कई सारे सूत्र हैं यहाँ, तो वो उस रूप में काम करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और विषय ले लेते हैं। और तो किसी का प्रश्न नहीं है, यदि आप में से और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो रखिए। विपिन जी। जी आचार्य जी। हाँ जी, प्रश्न है आचार्य जी, जो मोहित जी ने जो प्रश्न किया था, एक बार ये प्रश्न मुझे समझ नहीं आया, इसको एक बार बता दीजिए इसका। मोहित जी का प्रश्न ये था कि अनुस्वार और अनुनासिक इन दोनों में क्या भेद है। ठीक है, कहां पर अनुस्वार का प्रयोग करना है और कहां पर अनुनासिक का, ये इनका प्रश्न था। पूजा ठाकर जी है कोई? जी आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि मैंने समझा है क्या वो सही है, आपने कहा कि उष्मा वर्ण जो है उसके साथ जो आते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं, और जो क से लेके म में आते हैं जो कुचु तु टुपु में उसको अनुनासिक कहते हैं, जिसमें पंचम वर्ण उसका लगता है वर्ग का, सही है? हाँ, लगभग सही है, थोड़ा सा और इसका वर्गीकरण थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। देखिए, अनुस्वार जो ऊष्म वर्ण है इनके साथ जब कोई प्रयोग होगा तो यहाँ पर अनुस्वार लगेगा, अंक बिंदु जिसको आप बोलते हैं, एक छोटा सा बिंदु। और अनुनासिक जो है वो सभी अक्षरों में प्रयोग हो सकता है, लेकिन अनुनासिक प्रयोग सब में होगा, लेकिन उसके अगले वाले अक्षर के कारण से अनुनासिक होते हुए भी वहां पर कुछ और हो जाएगा। जैसे का अक्षर है और का के आगे लगा देते हैं अनुनासिक, और आगे और शब्द जोड़ लेते हैं इसके साथ घा, तो कंघा। अब यहाँ पर अनुनासिक होते हुए भी ये जो चंद्र बिंदु जिसको आप चांद बिंदु बोलते हैं, चांद की मात्रा भी बोल देते हैं कई लोग, तो ये अनुनासिक होते हुए भी वहां पर क्या बन गया, ग, क्योंकि क ख ग घ, क्योंकि क वर्ग का है तो उस वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाता है, तो वहां पर अनुनासिक है लेकिन अंतिम अक्षर के कारण से कंघा ऐसा। अब समझ में आया जी? जी बिल्कुल आ गया जी। मोहित जी, अरे जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी बोलिए जी। ये जो अनुनासिक चिन्ह है, एक में तो हलंत लगा हुआ है, एक में हलंत नहीं लगा हुआ है, तो जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ है ऐसा जब हम संस्कृत में कहीं पढ़ते हैं तो ये कहीं दिखाई नहीं देता है। बस यही प्रश्न है कि ये कहीं दिखाई नहीं देता है तो इसका प्रयोग कैसे होता है? वेद के मंत्र में होता है, वेद के मंत्र में। आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र देखेंगे ना, तो आपको उसमें ये दीर्घ अनुनासिक भी और अनुनासिक भी दोनों मिल जाएंगे। ठीक है मोहित जी? शय्यों में यही आता है ना, शय्यों वहां पर, हाँ यही आता है वैसे। हाँ जी ठीक है, हो गया अब स्पष्ट। और ये हमने यदि अच्छा, हाँ मोहित जी नहीं जुड़े थे, जब हमने वेद मंत्रों को पढ़ाया था ना, कुछ प्रकरणों को पढ़ाया था, तब हमने कई स्थानों पर स्वस्ति वाचन में भी कई स्थानों पर दिखाया था कि देखो दीर्घ अनुनासिक यहाँ पर है इत्यादि इत्यादि। ठीक है, फिर से बता देंगे, कोई बात नहीं देख करके। अभी हमारे पास 6 मिनट है, 6 मिनट में एक और चीज पढ़ा देता हूँ, ध्यान से समझिए, बहुत काम की चीज है। देखिए इसके नीचे दीक्षा जी ने एक बात कही थी, उसको करेक्ट कर देता हूं। 8 यम नहीं होते, यम केवल 4 होते। ऋषि दयानंद ने जब भूमिका में कहा था कि इनको 4 यम मान के 63 अक्षर पूरे करते हैं, तो यम केवल 4 होते हैं, और वो 4 यम कौन से होते हैं, तो ह्रस्व ग्वांग, दीर्घ अनुनासिक और अनुनासिक और एक अड़ा अक्षर, ये 4 यम होते हैं। ठीक है,
आगे देखिए। देखो इन्होंने भी एक अंडरलाइन किया है, इनको चार यम भी कहते हैं, चार को कह रहे हैं केवल, ठीक है। मीनाक्षी शर्मा जी हैंड रेज कर रही हैं, कोई प्रश्न है आपका? जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते आचार्य जी, मैं ये पूछ रही हूँ जो आप ये बुक से पढ़ा रहे हो, इसका नाम क्या है किताब का? इस पुस्तक का नाम है वर्णोच्चारण शिक्षा। अगर ये मंगवानी हो तो ये कहाँ से मिल सकती है हमें? ये मिल सकती है वैसे नई सड़क से, और यदि आपको अभी शीघ्रता से पढ़ना है तो हमने एक समूह बनाया हुआ है वर्णोच्चारण शिक्षा के नाम से, और उस समूह में हमने इसकी पीडीएफ भेज रखी है, तो या तो वहां से ले लीजिए, ग्रुप में ऐड करवा दीजिएगा। ठीक है, देखो इसी के नीचे उक्त वर्णों में अ वर्ग के वर्ण अकार आदि स्वर, देखो यहां से अकार ये प्रारंभ करते हैं, जो मैंने कार आदि पढ़ाए ना वो इसलिए पढ़ा दिए यहीं पर क्योंकि अब यहां से आगे वही प्रयोग मिलेगा हमें। देखिए उक्त वर्णों में अवर्ग के वर्ण अकार आदि स्वर और कवर्ग आदि वर्गों के वर्ण व्यंजन कहते हैं, यानी जो अवर्ग के सारा का सारा है वो स्वर कहते हैं 22, और ये जो कुचु टू तुपु अंतस्वर उष्म ये व्यंजन कहते हैं, और 8 अयोगवाह कहते हैं। किस रूप में इनका भी पढ़ लेते हैं, स्वर वर्ण शब्दों में शुद्ध स्वरूप से भी रहते और व्यंजनों के साथ में मात्रा रूप में भी आते हैं। मात्रा रूप स्वरों में जब व्यंजन मिलाए जाते हैं तब प्रत्येक व्यंजन 12 प्रकार से कहा जाता है, उसका स्वरूप और संयोग चक्र जिससे कि व्यंजन का परस्पर संबंध विदित होता है ठीक से हमें जान पड़ता है। आगे लिखते हैं, एक छोटी सी बात यहाँ पर स्पष्ट किए देता हूं जो इन्होंने कही। देखो 22 स्वर है ना, केवल ये ही ऐसे हैं, वैसे आगे ये स्वयं सूत्र में बताएंगे लेकिन अभी संकेत करते चलता हूं, केवल ये ही ऐसे हैं जो स्वतंत्र कर्ता की श्रेणी में आते हैं, जो अपने आप को अपने आप प्रकट करने में समर्थ है, बाकी जितने अक्षर है ना उन सबको सहायता चाहिए। यदि आप का अक्षर को बोलेंगे ना क, तो क में भी देखो बाद में आ लगाना पड़ेगा तब जाकर के आप का उच्चारण कर सकते हैं, यानी या तो आगे लगाना पड़ेगा या पीछे लगाना पड़ेगा तब जाकर के इसका उच्चारण हो सकता है, या तो अक बोलेंगे अक तब जाकर के का उच्चारण हो पाएगा, यानी उस व्यंजन से पहले। अब का में हलंत लगा दिया तो अक हो गया, और यदि पूरा हो गया तो अक ऐसा। यद्यपि हिंदी भाषा में हमारे प्रयोग अलग ही होते हैं, वहां हम शब्दों को हलंत लगा करके बोलते हैं प्रायः, संस्कृत में पूरा बोलना होता है क्योंकि यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत आदि भेदों को बहुत सजगता से हमें लेकर के चलना होता है। तो वो इन्होंने बताया कि व्यंजनों के साथ में भी आते हैं ये स्वर सारे और स्वतंत्र रूप में। हलंत क्या होता है जी? हलंत एक व्यवस्था है, जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा होता है वो अक्षर आधा हो जाता है, उसे हलंत कहते हैं। हल मैं यानी वैसे देखें तो एक संज्ञा है, अंत में जिसके लगा हो वो अक्षर आधा हो जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे ओम शब्द लिखते हैं आप, ओम तो ओ के बीच में एक साइन बनता है, 3 इकाई जो 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई जो होती है ये 3 का सिंबल होता है, 3 का साइन है, यानी ये प्लुत को बताता है। तो देखेंगे तो आपके पास में 3 लिखा हुआ है तो ये प्लुत को बता रहे हैं। तो ऐसे ही माँ में नीचे जो एक छोटा सा वो लगा होता है उसे हलंत कहते हैं, और जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा हो वो अक्षर हो जाता है, ठीक है जी। देवांग जी ने भी हैंड रेज किया है, आपके प्रश्न को ले लेता हूं। एक छोटी सी बात बस पढ़ा दूं, बहुत छोटी सी,
इसको कल पढ़ाएंगे। ये थोड़ा सा विस्तृत विषय है, संयोग चक्रम भी इसी के साथ जुड़ेगा और ये 12 अक्षरों का स्वरूप ये भी एक साथ कल पढ़ाएंगे। जी देवांग जी, आपका प्रश्न क्या है वो रखिए। जैसे हलंत लगा, जो व्यंजन पे हलंत लगता है ना, जैसे गंगा ग पे हलंत लगा हो, तो ये व्यंजन हुआ ना, व्यंजन पे लगता है। सभी व्यंजन हलंत वाले ही होते हैं। गंगा है गंगा, इसका हल करना है तो डो आता है, डो स्वर में। आप कुछ और प्रश्न कर रहे हैं, वैसे चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो प्रकरण चल रहा है स्वरों की दृष्टि। आप हालत की बात कर रहा हूँ, जैसे मुझे पता नहीं है, मैं कभी वर्णों कर पड़ा नहीं। तो गंगा मतलब व्यंजन पे हलंत लगता है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने प्रश्न कर लिया, आपके प्रश्न का स्वागत है। आप उत्तर सुनिए। देखो यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हमारी चर्चा है स्वरों पर। ठीक है, आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न है अनुस्वार से संबंधित, क्योंकि गंगा ऐसा। और अभी जो बिल्कुल वर्तमान चर्चा थी वो थी हलंत पर। हमने बताया सारे के सारे व्यंजन यानी 33 व्यंजन हल वाले ही होते हैं। उन सब के साथ मूल जो उनका है, उनका जो मूल स्वरूप है, उन सभी में हलंत ही लगा होता है। और हलंत वाले किसी भी अक्षर का शुद्ध उच्चारण तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके साथ कोई स्वर ना जोड़ दिया जाए। अच्छा, समझ में आया देवांग जी? एक बात तो ये, आपके प्रश्न पर आते हैं, तो गंगा शब्द में गा के ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार का स्वरूप बदल गया अगले वाले गंगा के कारण, अगले वाले गा के कारण से, क्योंकि हाँ। अनुस्वार के बाद वाला जो वर्ण होता है उस वर्ण को देखना होता है कि वो कौन से वर्ग में, और जिस वर्ग में वो वर्ण होता है उस वर्ग का अंतिम अक्षर वहां पर आ जाता है अनुस्वार के स्थान पर। जैसे उदाहरण के लिए दूसरे तरीके समझो, जैसे एक शब्द है मान लीजिए चंचल, तो चंचल को जब चा के ऊपर अनुस्वार लगेगा तो वो बिंदी ही लगेगी, लेकिन आज तो चा वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाएगा क्या, निया, तो ऐसा लिखा जाएगा चंचल इस रूप में। जैसे एक शब्द आप सब शुद्ध उच्चारण करते, जो ये कहता हो ना कि जो पढ़ा रहा हूँ अशुद्ध पढ़ा रहा हूँ, उन सब से भी मैं ये स्वीकार करवा दूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सटीक और शुद्ध पढ़ा रहा हूँ। इसका उत्तर सुनिए, एक शब्द बोलते हैं सभी संयम, सा के ऊपर अनुस्वार है लेकिन या के कारण से, देखो हमने एक नियम बताया था कि अनुस्वार का प्रयोग किसके ऊपर होता है, ऊष्म अक्षरों के ऊपर, लेकिन संयम शब्द में या के कारण से उसको क्या आदेश हो गया, या, चा वर्ग का अंतिम अक्षर। बात पकड़ में आई, विशेषकर मोहित जी को पकड़ में आई ये बात? चलिए शायद कक्षा में नहीं है, कोई बात नहीं। तो इस रूप में अयोगवाह जो होते हैं इनका स्वरूप अन्य अक्षरों के कारण से बदलता रहता है, इनका कोई स्वतंत्र उस रूप में पृथक उच्चारण नहीं होता जैसे अन्य अक्षरों का होता है। सभी स्वर स्वतंत्र रूप से प्रकाश में आते हैं, उच्चारण में आते हैं। व्यंजनों को उच्चारण उच्चारित करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है और अयोगवाह भी उसी रूप में अक्षरों के साथ जुड़ करके अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को बहुत धन्यवाद।